क्योंकि दुर्योधन को एक अभिमान था और यह विश्वास था कि अर्जुन कभी द्रोण के ऊपर और भीष्म के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। और जब तक भीष्म और द्रोण जीवित हैं तब तक हमें विजय करने वाला कौन है दुनिया में? और भीष्म और द्रोण दोनों की मृत्यु उनके अपने हाथ में है। भीष्म द्रोण दोनों जानते थे कि हमें जीतने वाला दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भीष्म और द्रोण ने अपने मृत्यु का साधन स्वयं अपने शिष्यों को बताया कि मैं तो अपनी पुरानी मान्यता में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता, मैं मजबूर हूं और वृद्धावस्था मेरी आ गई है। अब तुम लोग हमें हटा दो रास्ते से और विजय प्राप्त करो, आशीर्वाद हमारा तुम्हारे साथ है और युद्ध की सामग्री हमारी दुर्योधन के हाथ में। महाभारत पढ़िया, जब जब इस प्रकार की दृढ़ता आई है, हटता आई है, बैरियर आया है समाज के उत्थान में, तब तब कोई कोई महापुरुष हुआ है, उसे धक्के देकर बाहर किया है। तो आज हिंदू धर्म में जो जड़ता आ गई है, जड़ता विकास के विरुद्ध में, मानवता को जो आगे बढ़ने से रोकने वाली जड़ता आ गई है, ये कभी धर्म नहीं हो सकते। धर्म जो है वो जड़ता का नाम नहीं है। धर्म तो जीवन की वो प्रणाली है जिसके लिए कणा ऋषि ने कहा है, यह तो हृदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे मनुष्य का सर्वतोमुखी विकास होता हुआ मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर ले, वो धर्म है। धर्म में जड़ता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए वर्तमान के हिंदुओं, यदि तुम्हारे जीवन में कहीं जड़ता आ गई है, तुम्हारी समाज में कहीं जड़ता आ गई है, तुम्हारे जीवन व्यवस्था में कहीं जड़ता आ गई है, तो उस जड़ता को दूर करने के लिए तैयार हो जाओ। भविष्य तुम्हारा अपना है, आगे का युग अपना है, आने वाला मानव समाज तुम्हारी राह देख रहा है। तुम अपने वर्तमान को इतना उज्जवल बनाओ, इतना महान बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ, जिससे ब्राह्मण बल और छात्र बल का पुनः विश्व में प्रकाश हो, जिससे तुम्हारा दैवी गुणों का विकास दुनिया के सामने आदर्श बने और जिससे दुनिया तुम्हारा अनुकरण करते हुए उसी वैदिक धर्म का अनुसरण करे जिसके लिए ऋषियों ने कहा था, आदेश दिया था, इंद्रम वर्धन्ते अपुरः कृणवन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो अरण्यम्। ये वेद के मंत्र को स्मरण करते हुए अपने वर्तमान को समझो और संभालो। ये संक्रांति का युग है, कहीं तुम्हारा सुधार के नाम पर गलत रास्ते पर कदम न पड़ जाए। याद रखो, सुधारवादी हम भी हैं, लेकिन हमारा सुधार और पश्चिम के सुधार में अंतर है। हमने जब सबसे पहले कार्ल मार्क्स की पुस्तक पढ़ी, दास कैपिटल, उसका अध्ययन किया, जब तक पुस्तक लिखी मैंने भारत भूमि तथा साम्यवाद, उसमें मैंने दो शब्दों में विश्लेषण दिया था। कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं कि जो ऊपर खड़े हैं उनका पांव नीचे खींच लो, जहां हम खड़े वहां सब बराबर हो जाए। हिंदुइज्म क्या सिखाता है कि जो ऊपर खड़ा हुआ है उसको अपना हाथ पकड़ाओ, उससे कहो कि हमें भी ऊपर उठा लो और सब ऊपर चले जाए, सब उस अवस्था में पहुंच जाए। हिंदुइज्म तुम्हें ऊपर उठाने का रास्ता दिखाता है, कम्युनिज्म तुम्हें नीचे गिरने का रास्ता बता रहा है। अब तुम दोनों में जो पसंद आवे उसको अपना लो, तुम ऊपर चढ़ना चाहते हो या नीचे गिर करके मरना चाहते हो, ये सब तुम्हारे हाथ में। हरिओम दर्शन। मुझे दुख होता है अपने गुरुदेव के इतना परेशान हम लोग किए आज के मैं, लेकिन और किसके शरण जाऊं गुरुदेव? ये बहुत होशियार आदमी है, एक दिन के प्रोग्राम में तीन दिन का प्रोग्राम में। ओम विश्वादेव सरितल दुरितादि परासुर यद भद्रम तन्न आसुर। मैंने पूर्व के दो व्याख्यानों में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है, उसको आप लोग संक्षेप में याद रखें। पहली बात, ये हिंदू नाम की पत्रिका जो 10 वर्षों से चल रही है, इसके सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं और मंगल कामना करता हूं और विश्वास रखता हूं कि हिंदू नाम के अनुसार ही इस पत्रिका में हिंदू दर्शन, हिंदू जीवन,
संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदुत्व के संपूर्ण गौरवमय तत्वों को समय समय पर जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाएगा। मेरे विचार से इससे उत्तम और जनमानस की सेवा का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं कि हिंदू शब्द हमारे लिए गौरव का है, अपमान का नहीं। हमें विदेशियों ने नहीं दिया, यह हमारा अपना शब्द है। और मैंने जैसे आपको कई प्रमाण देकर के बताए कि चाइनी यात्री जो पहला, जिसका इतिहास में वर्णन है, जिसका नाम था ह्यूत्सांग, उसने जो ईसा की चौथी सदी में व पांचवी सदी में भारत में आकर के रहा, उसने इसी नाम से हमारे देश को याद किया है, अपना संस्मरण दिखा है। और ईसा की सातवीं शताब्दी में बापा रावण हुए हैं, जिनको हिंदुआन सूरज की उपाधि मिली और जो गौरव के साथ आज तक हिंदुआन सूरज की उपाधि धारण किए हुए हैं। और तत्कालीन ग्रंथों में भी बड़े गौरव के साथ इस हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। पारसी धर्म के सतीर नामक ग्रंथ में, याद रख लो, पारसी धर्म के सतीर नामक ग्रंथ में जरथुस और व्यास देव का संवाद है। जरथुस और व्यास देव का संवाद है। उस संवाद के प्रारंभ में व्यास देव ने अपना परिचय जरथुस को हिंदू शब्द से दिया है और वो पारसी धर्म के सतीर नामक ग्रंथ में है। जिसको जानने की चाह हो उससे पढ़ सकता है। उसका पूरा उद्धरण मैंने अपने पुस्तक में जो लिखा है हिंदू धर्म सूत्र, उसमें दिया है मैंने, और भारत के कई अन्य विद्वानों ने भी उसे उद्धृत किया है। और इतना ही नहीं, बहुत प्राचीन काल से अरब के लोग हमें बड़े इज्जत के साथ हिंदू शब्द से पुकारते रहे हैं। जितने विदेशी भारत में गए हैं सबने भारत को हिंदुस्तान ही कहा है और दूसरा नाम उनको याद नहीं रहा है। इसलिए ये हिंदू शब्द हमारे लिए बड़े गौरव का है और हमारे देशवासियों का वाचक। नाम के दो संबंध होते हैं, एक गुणवाचक संबंध और दूसरा देशवाचक। हमारे यहां बहुत प्रचलित रहा है दोनों प्रकार का नाम, गुणवाचक और देशवाचक। ये हिंदू शब्द जो है ये गुणवाचक भी है और देशवाचक भी है। हिमालयम समारंभा यावद हिंदू सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रतिष्ठते। ये जो बात कही गई है मेरुतंत्र में, इससे ये देशवाचक नाम ज्ञात होता है। हिमालय का ही और इंदू सरोवर माने कन्याकुमारी का दू, ये मिलाकर के हिमालय समारंभा यावत इंदू सरोवर तब देव निर्मिशम निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। वह देवताओं द्वारा निर्मित देश हिंदुस्थान कहा जाता है। ये शब्द है हिंदुस्थान। अब हिंदुस्थान का अरबी पारसी में बन गया हिंदुस्तान, क्योंकि थ की जगह त का उच्चारण पारसी लोग करते हैं। और दूसरी बात, ये गुणवाचक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी हिंसायाम धातु में दू कंपने धातु को प्रयोग करते हुए हिंसया दूयते यस्य चित्तम स हिंदु, जो दूसरे की पीड़ा से दुखी हो जाता है, कंपित हो जाता है, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, याद रखो। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, बी अवेयर अबाउट दिस। हमने इसी अर्थ में इस जाति के गौरवपूर्ण इतिहास को जाना है। हिंदू एक जीवन पद्धति है जो वैदिक विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। इसलिए यदि हिंदू अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहता है या देखना चाहता है, उसे क्या करना होगा? जो व्यक्ति, जाति, समाज और राष्ट्र अपने अतीत के प्रकाश में
अहंकार में होता है। फिर याद रख लो ये वाक्य आप लोगों के लिए काम के हैं। जो व्यक्ति, जाति, समाज और राष्ट्र अपने अतीत की उपलब्धियों के प्रकाश में अपने वर्तमान का सदुपयोग नहीं करता, उसका भविष्य अंधकार में होता है। क्योंकि भविष्य का प्रत्येक क्षण आपके वर्तमान से गुजरेगा। भविष्य उज्जवल हो उसका अभिप्राय क्या? सही माने में भविष्य किसी का उज्जवल और काला नहीं होता। क्या समझे? किसी का भविष्य न उज्जवल होता है न काला होता है, क्योंकि भविष्य तो अज्ञात के गर्भ में होता है। उसको कौन जाने को उज्जवल है या काला है, कौन जान सकता है? कहा तो फिर कहा आने वाला वर्तमान, भविष्य में आने वाला हमारा वर्तमान उज्जवल हो, इसके लिए हमें सदैव वर्तमान को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपका वर्तमान उज्जवल नहीं है तो भविष्य उज्जवल कैसे होगा? भविष्य है क्या जिसको आप उज्जवल बनाएंगे? आज जरा सोचिए तो, कल में बैठ करके तो आप काम नहीं करेंगे। If you want to do something, can you do something in tomorrow or today? इसलिए कल के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज का वर्तमान उज्जवल होना आवश्यक है, अन्यथा कल का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ये बात याद रखें। कुछ बातें और मैं आपको आज बताऊंगा। मैं इस समय वर्तमान में भारत की जो स्थिति है उसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता। क्यों नहीं कहना चाहता? इसलिए नहीं कहना चाहता कि इस समय भारत एक संक्रामक स्थिति से गुजर रहा है, जो मैंने पहले बताया था। स्वतंत्रता के बाद दुर्भाग्यवश जिसके हाथ में भारत की बागडोर आई, वो भारत से अनभिज्ञ थे, उनको भारत का पता नहीं था, न भारत की संस्कृति का, न सभ्यता का, न वहां के जीवन दर्शन का, न वहां के सही इतिहास का, उनको कुछ ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था। और इसको कहने में हमें जरा संकोच नहीं हो रहा, और यदि आप लोगों को संकोच होता हो या संदेह हो तो उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ डालिए, आपको पता चल जाएगा कि उनको भारत का कितना ज्ञान था। दुर्भाग्य से भारत की डोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई जो भारत से अनभिज्ञ था, जिसने स्वयं एक पुस्तक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की खोज करते थे और यह सिद्धांत बताया कि लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। बहुत दुखद बात। हम इसे अस्वीकार नहीं करते कि भारत में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तातार आए, आए, लेकिन आए तो क्या सबने मिलकर के हिंदुस्तान बनाया क्या? नहीं, वहां हिंदू थे जिनका वो स्थान था, और ये आए उसी हिंदू के हिंदू रूप समुद्र में समा गए। इनको अपने अस्तित्व को अलग सुरक्षित रखने का, दुस्साहस करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा। आज वो सारे के सारे हिंदू रूप में विराजमान है भारत में, और भारत मां की संतान है। आप यदि पूछिए कि भारत में 2000 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व जो शक, हूण, कुषाण, तातार आए, उनका क्या अस्तित्व है भारत में, कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने को, नहीं मिलेगा। क्योंकि तत्कालीन हमारे राष्ट्र के निर्माता इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान से युक्त थे कि उनको आत्मसात करने में जरा भी संदेह नहीं हुआ, संकोच नहीं हुआ, और वो सब हिंदू बनकर रह गए। शकों ने, कुषाणों ने हिंदू धर्म के लिए जितना बड़ा संघर्ष किया है, आप इतिहास के पन्ने पढ़े तो आपको आश्चर्य होगा।
हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा में उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए। ईसा पूर्व पांचवीं सदी का आज भी वो विजय स्तंभ कायम है, जिसमें वासुदेव की उपासना के लिए एक शक व्यक्ति ने अपना सर्वस्व दान दिया था। मैं आपके लिए बताना चाहता था कि भारत में जो लोग आए वो हिंदू विचारधारा के समुद्र में विलीन हो गए, कैसे, जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, ऐसे ही उनका आगमन हमारे देश में हुआ और वो अपना अस्तित्व खो करके समुद्र में परिणित हो गए। इतना ही नहीं, अधिकांश उसमें से लोग भारत में शरण लेने आए थे, भारत पर आक्रमण करने नहीं आए थे, कुछ थे जो आक्रमण करने आए थे, लेकिन जो आक्रमण करने आए थे उनकी क्या गति बनी ये भी इतिहास साक्षी है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि जो वैदिक विज्ञान के प्रकाश में दर्शन और धर्म विज्ञान के प्रकाश में हिंदू समाज सारे विश्व को आत्मसात करने की सामर्थ्य रखता था, यदि वही स्थिति पुनः हिंदू जाति की आज आ जाए, उसी वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रकाश को वह स्वयं में धारण करे तो उसका भविष्य दुनिया में श्रेष्ठतम भविष्य होगा। किसी भी जाति का भविष्य यदि बनाना है उसे आप योग्य बनाइए, और यदि किसी जाति का सर्वनाश करना है तो योग्यता के अभाव में उसे अधिकार दे दीजिए। याद रखो, जिस वर्ग को, जिस जाति को, जिस समाज को योग्यता के अभाव में अधिकार मिलेगा वह वर्ग, वह जाति, वह समाज कभी उन्नत नहीं हो सकती। याद रखो, क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी कि अधिकार की भूख व्यक्ति की उन्नति में नहीं बल्कि पतन में हेतु बनती है, और अधिकार के लिए योग्यता की क्या देश, समाज और राष्ट्र की उन्नति में हेतु बनता है। इसलिए जहां योग्यता के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा है वहां के लोग योग्यता प्राप्ति के लिए स्पर्धा करते हैं, और जहां योग्यता के अभाव में अधिकार सुरक्षित होता है वहां के लोग योग्यता के अभाव में अधिकार को प्राप्त करके अपना विनाश करते, अपना पतन करते हैं, और केवल उन्हीं का पतन नहीं होता, उनके साथ उस देश का, उस समाज का, उस राष्ट्र का भी पतन होता है। और इसका प्रमाण मेरे से आप ले लीजिए, भारत के कर्णधार जो शिक्षक थे उनकी योग्यता के नाम पर उनकी उपाधियां थी, कोई चतुर्वेदी था, कोई त्रिवेदी था, कोई द्विवेदी था, कोई एक वेदी था, पाठक था, कोई मिश्र था, ये सब उपाधियां उनको प्राप्त हुई थी उनकी योग्यता के आधार। लेकिन बाद में कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई कि योग्यता के अभाव में भी वो उपाधियां सुरक्षित रही, वेद का दर्शन नहीं किया लेकिन त्रिवेदी हम हैं, चौवेदी हम हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि योग्यता के अभाव में उपाधियां सुरक्षित रखने का परिणाम यह हुआ कि उस समाज का, उस राष्ट्र का, उस जाति का पतन हुआ। कर्नल टाग लिखता है राजस्थान के इतिहास में कि भारत के राजपूतों के पास इतनी शक्ति थी कि वो सारी दुनिया पर शासन कर सकते थे। कर्नल टाग जो इतिहास जानते हैं उनको पता होगा उसका नाम, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा है। राजस्थान के इतिहास लिखने वालों में दो का नाम बहुत मशहूर है, गौरीशंकर ओझा और कर्नल डाल। और कर्नल डाल लिखता है कि राजपूतों के पास इतनी शक्ति थी कि सारी दुनिया पर शासन कर सकते थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह था कि उनका सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, नहीं, और आपस में ही लड़कर के वो मर गए। एक घटना लिखी है स्वामी रामतीर्थ ने अपने ग्रंथ में, मुगल बादशाह के दरबार में दो राजपूत आए
मुगल बादशाह ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी विशिष्टता क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी हमारी विशिष्टता देखनी हो तो भी आपको दिखा देते हैं। कहा दिखाओ। दोनों ने तलवार निकाल लिया एक दूसरे के प्रति और लड़ने लगे वही सामने, और उसी युद्ध में एक ने दूसरे को मारा, दोनों खत्म हो गए। कहा हमारी विशेषता है। ये तो एक घटना, लेकिन इसी अज्ञानता, इसी अज्ञानता के कारण हिंदुस्तान तबाह हुआ। भला सोचिए, इतने महान राष्ट्र का पतन और इस अवस्था में पहुंच गया कि वहां के लोगों को, आप लोगों को पता नहीं होगा, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में रहने वाले 82% किसान थे, बल्कि ज्यादा थे, और वो अपने देश के लिए 12 महीने के लिए अन्न पैदा नहीं करते थे। अमेरिका और कनाडा से गेहूं जाता था जिसको वहां के लोग खाकर जीते थे। उस समय बंटवारा के पश्चात भारत की आबादी केवल 33 करोड़ थी, 33 करोड़, क्योंकि 7 करोड़ पाकिस्तान बन गया था, 40 करोड़ सारी आबादी थी। 33 करोड़ के लिए खाने के लिए अन्न नहीं था, कनाडा से अमेरिका से अन्न आता था। और आप ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, 1962 में चाइना ने आक्रमण किया था, उसके बाद में 1965 में भारत के ऊपर आक्रमण किया पाकिस्तान ने, सौभाग्य से उन दिनों में कश्मीर में था, हमारे सामने एक सारी घटना है। हम रात रात भर घूम घूम करके जम्मू और उधमपुर के निवासियों को रोटी बनवा बनवा करके ट्रकों में लाद लाद करके और बॉर्डर पर अपने सिपाहियों के पास भेजते थे। हमारे साथ के लड़के जो हमारे मिशन के थे, उन्होंने उसमें बहुत काम किया, प्राण को बाजी लगा कर यहाँ गोले बजते थे और बड़े गौरव के साथ वहां पर वो ट्रक लेकर पहुंच जाते थे रोटी देने के लिए, क्योंकि भारत सरकार के पास इतनी सुविधा नहीं थी कि अपने सिपाहियों को भोजन पहुंचा सके, ऐसी स्थिति थी। पंचशत की कहानी सुना रहा हूं आप। उस समय देश के सौभाग्य से एक प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम था लाल बहादुर। सही माने वो भारत माँ के पुत्र थे। देश का दुर्भाग्य था 18 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई या कर दी गई, लेकिन थे सही माने में भारत माँ के लाल। अमेरिका ने उनसे कहा कि यदि तुम युद्ध बंद नहीं करते तो हम तुम्हें गेहूं देना बंद कर देंगे, तुम्हारी प्रजा भूखी मर जाएगी। अमेरिका के गेहूं का लदा हुआ जहाज मध्य सागर में था। लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा अपने खाद्य मंत्री को बुलाकर और सेक्रेटरी को बुलाकर, देश में कितने अनाज की कमी है, कितने गेहूं की कमी है। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया 5 लाख टन की। शास्त्री जी ने पूछा कि यदि एक दिन भारत की जनता व्रत करे तो कितना गेहूं बचा सकती है। कैलकुलेट करके बताया गया 7.5 लाख टन। क्या समझे, 5 लाख टन गेहूं की कमी है, लेकिन भारत की जनता यदि एक दिन का व्रत करेगी तो 7.5 लाख टन गेहूं बचेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को उत्तर दिया कि हमारे पास 2.5 लाख टन गेहूं सरप्लस है, इसलिए तुम्हारा गेहूं हमें नहीं चाहिए, युद्ध बंद नहीं होगा। और परिणाम आप जानते हो, लाल बहादुर शास्त्री ने घोषणा की कि सोमवार को पूरे भारत के लोग बच्चे और बूढ़े छोड़कर सब व्रत करेंगे, किसी घर में रोटी नहीं बनेगी। उनके यहां स्वयं नहीं बनती थी, रेस्टोरेंटों में रोटी नहीं बनती थी, और वर्षों तक भारत की जनता सोमवार का व्रत करती रही। कौन नहीं जानता इस घटना को, भी 65 की बात है। हाँ, उसमें जो छोटे बच्चे रहे होंगे उनको पता नहीं होगा, तो मेरे सामने की बात। इतना ही नहीं, और सुनिए, उस बहादुर ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर ने अपने काल में 5 लाख फौज भर्ती की, जय जवान का नारा दिया और जय किसान का नारा दिया। अब उसका परिणाम जरा आप देखिए, आज भारत की क्या स्थिति है जानते हो। आज इस समय भारत की स्थिति वो
सृजन है और उसके पश्चात इस साल 1 करोड़ टन अन्न सरप्लस हुआ है, 1 करोड़ टन जिसको भारत सरकार कई देशों को पाल रही है, बेच रही है या दे रही है। 20 लाख टन गेहूं अभी कुछ महीने पहले चाइना को दिया है। रशिया से अलग हुए 5 राष्ट्र जो है मुस्लिम देश, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान आदि, इन सबको इस समय अन्न भारत दे रहा है। अरब देश को अन्न भारत दे रहा है, इराक ईरान को अन्न भारत दे रहा है, पूर्वी देशों को चावल इस समय भारत दे रहा है। भारत के पास अन्न का भंडार है 3 वर्ष के लिए 90 करोड़ व्यक्तियों के लिए, और हर साल जो बचता है, 1 साल का जो पुराना हो जाता है नया उसमें भरते हैं, पुराना फिर देते हैं बाहर। और इस समय दुनिया की दृष्टि है तो केवल एक भारत पर है। आज अमेरिका भारत से इतना भयभीत है जितना कि कभी वो किसी देश से भयभीत नहीं था, और इसीलिए वो भारत को खत्म करने के लिए अनेक प्रकार के कुचक्र चलाता रहता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान के नाम पर उसने अरबों डॉलर का अस्त्र दिया है। उसकी यह चाल है कि भारत के लोग अपने विकास की दिशा से बदल करके शस्त्र संग्रह में लग जाए, उनकी इकोनॉमी जो है वो शस्त्र संग्रह में लगे, और शस्त्र संग्रह के लिए वो पश्चिम की तरफ देखें और हमारे गुलाम बने। ऐसा क्यों है जानते हो? उसे रशिया से खतरा नहीं, रशिया खत्म हो गया, सोवियत संघ नहीं रहा। रशिया जो है वो आज अपने लिए मुश्किल में पड़ा हुआ है, दूसरे क्या करेगा। चाइना से उसे खतरा नहीं है, आबादी की दृष्टि से चाइना बहुत बड़ा देश है, लेकिन शक्ति की दृष्टि से उसके पास अपने खाने के लिए अन्न नहीं है। और जिस देश के निवासी भूखे मरते हो या भूख से तड़पते हो, उस देश से कोई देश भयभीत कैसे हो सकता है। आज भारत के लोग भूखे नहीं मरते अन्न के बिना, नहीं। यदि कहीं आपको भारत में जो गरीबी दिखाई देती है वो सही में असलियत नहीं है, मेरे से पूछिए, मैं जानता हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, गांव में बड़ा हुआ हूं, उसमें सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है उन्हें गरीब बनाए रखने में, उससे सरकार को फायदा होता है और वो सरकार से फायदा लेते हैं। आप याद रखिए, पश्चिम के लोग अब मांस और मदिरा से दूर हो रहे हैं और भारत में सरकार मांस और मदिरा का प्रचार कर रही है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे बच्चेपन में गांव में यदि कोई शराब पीता था तो लोग उसकी शक्ल नहीं देखते थे और वो चोरी से कहीं से लाकर पीता था। आज भारत सरकार गांव-गांव में शराब की दुकान खोल रही है और मांसाहार के लिए जनता को प्रोत्साहित करती है कि मांस खाओ। और पश्चिम के पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन, उनके पास जब जनता जाती है भारत की तो उसको कहते हैं कि तुम अंडे खाते हो, नहीं फिर तुम स्वस्थ कैसे रहोगे। मांस खाते हो, नहीं फिर तुम्हें प्रोटीन कहां से मिलेगा। ये उनकी सीख है। और आप ये जानकर आश्चर्य होगा, भारत में यदि कोई मुर्गी पाले, कोई सुअर पाले, मछली पाले, भेड़ पाले, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी और मदद देती है, बिना ब्याज के रुपए मिलते हैं उसे, जिससे अधिक से अधिक लोग मांसाहारी बने और शराब की दुकानें गांव-गांव में खोल करके जिससे अधिक लोग शराबी बने और लॉटरी सिस्टम चला करके लोगों को जुआ खेलने की आदत डाल रही जिससे लोग जुआड़ी बने। और पश्चिम के नग्न चित्र टेलीविजन के ऊपर अनेकों चैनल से दिखा करके लोगों को व्यभिचारी बनाने की कोशिश कर रही है। जिस देश की सरकार